हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए क्या भूपेंद्र हुड्डा पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्या उन पर कोई गाज गिरेगी? आज जब हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस के अंदर बैठक हुई तो बैठक में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा के नेताओं ने अपने हित को आगे रखा और पार्टी के हित को पीछे रखा, इसकी वजह से पार्टी की हार हुई है। और इसके बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस नेतृत्व ये मानता है कि हरियाणा में हार की बड़ी वजह कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद रहे हैं और इसी की वजह से पार्टी ने टिकट के बंटवारे में भी निष्पक्षता नहीं बरती, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने वोट काटे या कई जगहों पर वो उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज चली बैठक के बाद मीडिया को जो जानकारी दी गई, अजय भाकन ने जो बताया, उसके मुताबिक पार्टी ने भी ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं नेताओं के बीच मतभेद हार के कारणों में एक है। हालांकि वो अभी भी मानती है कि वहाँ पर जिस तरह की गड़बड़ियाँ की गई उसके बारे में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और जो शिकायतें की गई हैं चुनाव आयोग के सामने, जो रखी गई हैं शिकायतें, उन शिकायतों पर गौर किया जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ओर से भी कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। यानी कांग्रेस ने मान लिया है कि उसे अपने नेताओं के बीच मतभेद और चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की वजह से उसकी हार हरियाणा में हुई है। लेकिन पार्टी ने अभी तक ये नहीं माना है कि उसने जो अपने साथी दल हैं यानी इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं उनके साथ सीटों का बंटवारा नहीं किया और ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन पार्टी ने कहा है कि अभी उनकी हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर बैठक आगे भी जारी रहेगी और जाहिर है कि आने वाले समय में हरियाणा चुनाव के मंथन से जो नतीजे निकलेंगे कांग्रेस उसका आने वाले समय में संज्ञान लेगी और उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय करेगी। और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था, तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। क्या आपको लगता है कि गुटबाजी को हुड्डा भी देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाए, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती, उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे।